بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بہت ہی محترم قائد صاحب جناب مشرف صاحب بھائی عبد الرحمن صاحب شیخ موسیٰ صدر نیشنل دستار صاحب بہت ہی احترام لائے صاحب صاحب سیکرٹری جنرل نیشنل دستار صاحب اور انتہائی قابل قدر اور قابل احترام جناب مولانا نے मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है, बड़ी शहरत की बात है, बड़ी गौरव की बात है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रेस का इदारा है सहाफत का नेशनल प्रेस क्लब, आज मुझे ये ऑनर मिल रहा है, इज्जत प्राप्त नसीब है कि मैं आपके इंसान बुजुर्गों से किताब करने की उर्दू करने की मुझे ये साथ हासिल हो रही है। जब मैंने मैं कहा है तो मैंने प्रपोज भी कहा है, ये जो फौजी जिहाद करते हैं वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, कलेक्टिव उनकी मुंह होती है, उन सबके पास एक अथॉरिटी होती है, उनके पास एक टेक्निक होती है, उनके पास एक सपोर्ट होती है, एक अथॉरिटी होती है, और फिर वो किसी मैदान में जाते हैं और अगर वो अपनी जान की बात कर रहे हैं तो हम उन्हें शहीद के नाम से याद करते हैं, वापस आए तो हम राज के नाम से याद करते हैं। लेकिन सुबह सहाफत के हाथ वो लोग हैं जो गुमनाम मुजाहिद है, जिन्हें कोई उस तरह पहचानता नहीं है, इंफॉर्मेशन को रिसर्च करना, सीख करना, फिर इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, फिर उसको आगे पहुंचाना और ट्रूथ की सच्चाई की तह तक पहुंचना, और उसके लिए अपने अपने विल अपने विल से अपने इरादे से अपने इरादे से अपने निगर से अपनी जान को जोखिम में डाल देना और किसी बात की परवाह न करना, और उसके लिए का कुछ भी करना पड़ जाए वो वाकया रिपोर्ट करना, और उसमें जब किसी की जान चली जाए तो उसको लोग उस तरह शहीद नहीं करते हैं, उस तरह ये जो आदमी वाले काम में लगे रहते हैं उसको उस तरह के करने लायक नहीं जाता है। मुझे याद है जब मैं जुड़ कर इस्लाम जिला राजपुरी का राज था, राजपुरी का एक राज का बड़ा जुल था, कमरे में करके हम नवाब दफ्तर में जब सदर में जाते तो सैयद मदर साहब के टेबल पे हम वो दूसरा लीडर से रखते, उनके पास एक अखबार होता था, फिर अब तो नमाजा रेगुलर दौर आ गया, हाथ से लिखना पड़ता था, रिपोर्टर्स जितना वो पढ़ के लाते थे उस सब मुझे कांच छाट करके फिर अपने हाथ से पेटेंट करके पकड़ो, तो फिर उनको फैसला करना है कि दो कार में लगेगी, एक कार में लगेगी, ये बैक पे के फ्रंट कहाँ लगेगी, तो रात देर तक वो एक मेहनत होती थी। इसी तरह जंग अखबार में हम जाते सीढ़ियाँ करते करते सब बताते, मेरा मेरे एक ही बात ये शय है, मैं समझता हूँ कि मैंने कहा कि जो हमारे पूरे और इसको इंटरनेशनल लेवल पर तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल मार्शल तो तस्वीर करते हैं कि ये एक फोर्स ऑफ हीरोज है, जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको लोग उस तरह तस्वीर नहीं करते हैं जिस तरह इनको किया जाना चाहिए। ये हकूमतें जो काम करती है, जो डेटा प्रोवाइड होता है, जो इंफॉर्मेशन के पास आती है, जिसकी बुनियाद पर ये सारे पॉलिसीज बनती हैं, जितनी जंगें होती हैं, कोई है आम लोगों में से जो बरस से बमों में वहां पर पहुंच सकता हो, जो फलस्तीन के उस बहाद के जाते हैं, कभी सीरिया में, कभी बगदाद में, और कभी फिलिपीन में, जहां जहां के सारे बम फटे होते हैं, ये एक रिपोर्टर है जो अपनी जान की मत उसको उसको एक जुलूम है, उसको उसको एक बस उसका उसका हिसाब बन गया है कि मैंने सबसे पहले मैंने रिपोर्ट करना है, सबसे पहले मैंने रिपोर्ट करना है, सबसे पहले बात मैंने सीख करनी है, मेरी बात की तरतीब नहीं होनी चाहिए, और वो सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है और वहां से आगे होकर अपने सपोर्ट करता है। तो जो बड़े एंकर्स हैं और जो बड़े मीडिया मार्कर्स हैं उन सब की जो इज्जत बनती नाम बनता है, उसकी जो बेस है वो आप लोगों के लिए इदारे और आपकी ये तंजीमें हैं जो अपने साथ लोगों को जोड़े हुए हैं और उनको लेके वो आगे चलते हैं। और मैं ये कहूंगा कि उसने तो कहा था बादशाह जफर ने अपने तौर पर कहा था, नजर लोगों ने गाई ले की जब बात कर दी मुझे मुश्किल कर दी, ऐसी ऐसी कदर थी जैसे अब है तेरी गाजर कर दी, ऐसी कदर थी कि ये जो साथियों ने आप हजरात ने जो अपने खुद अपने जिम्मे ले लिया है,
ये सारा डेटा की प्रोविजन जो है कि आप प्रोवाइड करते हैं, तो घूमते उसी उसके बिना अगर वो उससे फायदा नहीं उठाते तो वो उनकी नाकामी है। मगर ना ये सारा डेटा इकट्ठा करके उनके टेबल पे ला रखना, ये जो रोज के जो हमारे जो रिपोर्टर्स भाई हैं इनसे ये मतलब चलता है। और मैं देख रहा था कि पिछले साल का जो डेटा है आपका थोड़ी थोड़ी का, ये यूनेस्को ने जो रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट पे इत्मीनान करूं, आप रघु का तस्दीक कर दें कि 59 लोग जो है वो अपनी जान से उन्होंने हाथ लगाया है इस पिछले साल में, सिर्फ रिपोर्टिंग करने की वजह से, सिर्फ आपको जरूरत करने की वजह से, सिर्फ जसारत करने की वजह से। और इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी आती है, इसमें फौजी एस्टैब्लिशमेंट भी आती है, इसमें सिविल हुकूमत भी आती है, इसमें सियासी हुकूमत भी आती है, वो सारे जब तक तो वो उनको आपकी जरूरत होती है वो आपके साथ होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब इख्तियार उनके हाथ में आ जाता है तो फिर वही पुराने हरकतें जो है वो जो जिससे बाकी लोग गुजर होते हैं, जो बाकी को कहते हैं ये दावत है ये जुल्म जब करते हैं आपका, फिर वो भी गुजर करके इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन सलाम है आपकी जो को, सलाम है आपके किरदार को कि आप अपने मिशन पे आप साबित हो जाते हैं और आप सच्चाई का नाम आप नहीं छोड़ते हैं। और ये हर एक इंसान के दुनिया का ये हक है कि उसको पता चले कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, उसका बेसिक उसका राइट है। लेकिन इस सारे समय में पिछले साल से खासतौर पर जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ है पिछले मार्च से लेकर फिर मार्च आने वाला है, इसमें बहुत सारे इसके असरात हैं, इसके समाजी असरात हैं, इसके माशी असरात हैं, इसके सियासी असरात हैं, इसके इंसानी इसके असरात हैं, इसके इज्तमाही असरात हैं, इसने पूरे हमारे कल्चर को चेंज किया है, पूरे समाज को चेंज किया है, इसने हमारे माश को जकड़ कर रख दिया है। तो ये जो पैंडेमिक है इसके साथ साथ मैं मुझे इजाजत में ये कहूँ कि पैंडेमिक के साथ साथ एक इंफोडेमिक ये भी हमें लाज है कि जब जरा सा प्रेशर पड़ता है मीडिया मालदार पर तो वो अपना रास्ता कहां से निकालते हैं, वो ले ऑफ करते हैं लोगों को, वो लोगों से उनसे नौकरियां छीनते हैं, वो लोगों से रोजगार छीनते हैं, वो उनकी तनख्वाह में कटौतियां करते हैं। और वो जो जिसने और आपके तो मुझसे ज्यादा इल्म में है कि आपके शुभ बहुत सारे रजाकार भी काम करते हैं, जैसे हम सफाई रजाकार हैं, हम समाजी फील्ड में काम करते हैं, तो आपके भी बहुत सारे रजाकार ऐसे हैं जो रिपोर्टर तो करते हैं मगर उनको उसका मुआवजा नहीं मिलता है, उसको उसकी 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 उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है, मगर वो अपने शौक से वो दूर दराज के इलाकों में वो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो ये जो पिछले से 2019 में भी किया अपने रिपोर्टर वहां में पढ़ता रहता था, देखता था इतने मुलाजिम चले गए और अब तो ये मेरे ख्याल में हजारों में तादाद है जिनको बेरोजगारी का सामना है। तो ऐसे हालात में ये इतना जो क्यादत है सुबह से रात में वो होगी आपके लिए ज्यादा मुश्किल है कि अपने वर्कर्स को मजबूत करना, अपने वर्कर्स को हौसले रखना, अपने वर्कर्स को अपने साथ जोड़े रखना, अपने वर्कर्स को अपने मिशन पर आमादा का रखना, ये क्या का काम है। अगर क्यादत घबराए नहीं और वो जबर और सिबर के सामने हथियार न लेके और वो सच्चाई की मशन को वो फरोजा रखे और वो ये वो उसके जो वर्कर्स हैं उसके जो साथी हैं वो यकीनन उनके साथ वो रहते हैं। इसमें अजमे मुसम्मम भी चाहिए, इसमें यकीन भी चाहिए और इसमें रबता भी चाहिए और इसमें मनसूबाबंदी भी चाहिए और मनसूबाबंदी करते हुए खास हितोजमी का ख्याल करना भी जरूरी है। ये सारी बातें जो है अगर हम आप इस शोबे से वास्ता है रूस से आप ज्यादा करते जाते हैं, मैं रूस के रूस से बैठ कर देखने वाला हूँ इस शोबे को, मतलब मैं ऑफ दिस ग्रेट प्रोफेशन हूँ कि मैंने आपने जवानी की थान में मेरा राव हसन उन लोगों से रहा है जवानी हमें सपोर्ट करते थे, जो हमारी मदद करते थे, जो हमारी बात लोगों तक पहुंचाते थे। तो दूसरे से याद है अगर ये एक दिन के लिए आप मीडिया को बंद कर दीजिए तो क्या नशा होगा, एक दिन के लिए आप टीवी ऑफ कर दीजिए, एक दिन के लिए हमारे चैनल बंद कर दीजिए तो जो दुनिया का नक्शा ही और हो जाए और फिर मनमानी करने वाले जो कुत्ते हैं वो जो चाहे करे कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ये मीडिया है, ये आप है जो इस सोसाइटी की आंख बनते हैं और आप तय कर सोचते हैं
और आप लोगों तक हकायक को पहुंचाते हैं, और फिर जो जो इख्तियार करने वाले कुवते हैं, जो फैसला साजी करने वाले कुवते हैं, उन पर एक चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा अगर फिर भी वो मानते नहीं है, लेकिन किसी हद तक उन पर एक दबाव रहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो मीडिया ये बात कर देगा, अगर हमने ऐसा किया तो मीडिया ये बात कह देगा, तो वो तो उसको वो रोकते हैं। तो मैं कहूँगा कि मुश्किलात कितनी भी क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा मुसम्मम हो तो वो अपने मंत्र को पा लेता है, अपने मिशन को उसमें कामयाब हो जाता है। मैं अपनी बात को लंबा नहीं करूंगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि एक तो वहां मजबूत रहिए और गलत फहमियों की जो तारीखियां हैं, जो गलत फहमियों के साए हैं, उनको आपने दरमियान ना आने दीजिए, और जो हसद का जो एक और एक वायरस आ जाता है कभी कभी, मैं गुमराह नहीं होने दूंगा, मेरे काम में तो रास्ते बढ़ने नहीं दूंगा,
मैं उनके रास्ते को कहीं किसी किसी गंतव्य में नहीं उतारूंगा, मैं तो मंदिर में लेके चलूंगा। तो फिर जो जो दादू है किसी के वाले वहां पर करके आपकी कियादत किसी होते हैं, मगर पहले कियादत के लिए जरूरी है कि वो ये काम करे। और नेशनल प्रेस क्लब में अगर मेहमानी पाकिस्तान उनको मजबूत बना दिया था कि वो किसी तूफान से डरे नहीं। ये बातें जो है
मैं आपके पास खड़ा, मेरे भाई जनाब आप मोहम्मद अफजल साहब का, भट्ट साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे एक दिन मैंने मुलाकात का एक जिक्र निकाली और पाकिस्तान इस्लामाबाद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं आपसे हम कलाम हूँ। जब ये कह रहे थे भट्ट साहब कि वो दौर मुझे भी वो दौर याद है, पहले भी वो दौर याद है, रक्षों में हम सफर करते थे, पैदल भी हम सफर करते थे, भूखे भी हम रहते थे, जब किसी दफ्तर में आते तो पूछते दूसरे जेल में पैसे उनके पास मेरे पास नहीं। अच्छा वो गुलाम था वो घर से आया आज उसकी जेल में पैसे हो गए उसके गुलाम हुआ पेटे का साथ खाने खा रहे इस तरह का दौर था। लेकिन शायद ये ज्यादा कर सके तंजीमत अल्लाह खान के बाद मेरा ख्याल से पहले हमने एक समाजी तरजीह गुजार कर दी सलाम उसकी तारीख उसके अंदर हमने स्कूल कायम किए उसके अंदर हमने वेलफेयर सोसाइटी स्टार्ट की स्पेशल स्टार्ट की हस्ताक्षर स्टार्ट किए और दूसरा वेबसाइट के नाम से और मुस्ताई बार स्कूल के नाम से और आप खुशी होगी कि दोनों देश सौ के करीब स्कूल हैं इस वक्त भी काम कर रहे हैं जो कौमी तरक्की के लिए और समाजी खिदमत के लिए समाजी इंकलाब के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे इनकी बातों से ये बात याद आई कि जिस बात को आप दर्शकों पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस बंदे को गुजार होना चाहिए कि आपने अपना बदल से पढ़ में डाल दिया है। मैंने जब हम समाजी खिदमत जब खून का हत्या दर्ज किए भट्ट साहब तो सिर्फ इतने हत्या किए थे हमने पंजाब के लड़कों को भेजा कि सिंध में रहने स्कूल में सिंध पर उन्होंने भेजा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जाकर खून दें उनको हमने कहा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान होगा कि आप पंजाब में आए तो हमने कौमी अभ्यर्थी के फौज का हमने कॉन्सेप्ट दिया कि ये सारे जो है इन सब खून हम देंगे तो नफरतों की दीवारें हैं उनको हम उनको हम गिराएंगे। तो इस पे और हाथ उसके पानी है वो कह रहा है कि आप तो ये हमारा जो इम्पैक्ट था हमने इससे काम लिया उस पर खरीदा उस पर फिर हमने अभी मैं यहाँ यहाँ वहाँ होते हुए भी आपको सुनाते हुए रहता हूँ 2017 से हम हर साल शनिवारी का एक हफ्ता या महीना मनाते हैं अगर वो सितंबर में हम अगस्त में करते हैं अब मार्च है मगर मैं तो मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है हमारे साथियों में सबसे पहले लोग यहाँ के लिए प्रेस क्लब के पास शनिवारी की जाती है और अपने इंसाफ के आप पौधे लगाए जुर्रत के और अजीमत के और इशार के आप पौधे लगाए ये सब मिलकर के इस मुल्क में एक तब्दीली जो है वो ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये टूटी फूटी बातों को मैं अपने आप को इस अहल नहीं समझता था मैं भट्ट साहब मुझे आगे से पढ़े लिखे लोगों के सामने और हीरोज हैं हमारे इस कौमी जिंदगी के शोबे के आपके सामने मुझे लाभ उठाया है तो मैं आपसे इजाजत लेने से पहले मुझे बढ़ सब इजाजत दें मैं वही नजम जो मार्शल का दौर में मैं पढ़ा करता था और वो खास लिखी उसको देख जब मेरे उस्ताद मुसर इमरान जी ने उस्ताद को जामा कर था कि मैं डाल दिया था उस वक्त मैंने लिखी थी पर उम्र में वो तनवीर तलबा साहब के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा गया अगर मुझे मिल सके तो मैं आपके लिए पेश करके मैं हर साल करूँगा तकदीरें
यू हाथ गर्म कर देने से कटर जाएगी गद्दी में, तुम अपने शीश महल में ये बगैर बनाओ ताज बनाओ, तुम अपने शीश महल में ये बगैर बनाओ ताज बनाओ। फिर शोर उठा है दरबार, फिर गूंज रही है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।